नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौरभ। स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रत्याशी छात्रों के दो गुटों में गुरुवार को नामांकन के दिन जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों गुटों के लगभग एक दर्जन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्र प्रत्याशी और समर्थक समेत कई वाहनों को भी पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है। घटना की जानकारी होते ही सीओ सिटी महिपाल पाठक, एसपी सिटी प्रदीप दुबे एवं एसडीएम सदर और सदर कोतवाल राजीव सिंह सहित पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि शहर में उपद्रव के हालात को रोकने के लिए एहतियातन ऐसा किया गया है। प्रत्याशियों को दूसरे रास्ते से ले जाकर नामांकन कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीओ सदर और एसपी सिटी एसडीएम के नेतृत्व में उन गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है जिन गाड़ियों पर लाउडस्पीकर और साउंड बॉक्स लगे हुए थे। बता दें कि चुनाव आयोग ने हमेशा से छात्र चुनाव में लिंगदोह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है। ऐसा है कि आज सहजानंद पीजी कॉलेज और पीजी कॉलेज दोनों में शासन के चुनाव हेतु नामांकन थी और इसमें जो है नामांकन प्रक्रिया लगभग सफल संपन्न हुआ है। इसमें यह देखा गया कि कुछ लोग बिना परमिशन के लंबे जुलूस गाड़ियों से निकाल रहे हैं या फिर 144 लागू होते हुए भी आपस में खुना जल्दी मार्केट में कर रहे हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ऐसी गाड़ियों को जो बिना परमिशन के 144 में जुलूस में निकाल रहे हैं उनको सीज किया गया है।